बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहим अस्सलाम वालेकुम कैसे धोती है कपड़े कैसे धोती है कपड़े मामा कपड़े कैसे धोती हैं निचोड़ो निचोड़ो कपड़े धो कपड़े धो जल्दी से कैसे धोती है कैसे धोती है वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी मे भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक तो जी यहाँ पे आप लोग ने सबने देखा ही होगा मनि का कपड़े धोने का स्टाइल मेरे कप असल में मैंने लॉन्ड्री लगाई हुई थी तो मैं कपड़े धो रही थी तो इन्होंने देखा कि मम्मा जैसे खंगाल रही है असल में मैं टप से खंगालती हूँ पहले कपड़े और जब थोड़ा सा पानी अच्छे से निकल जाता है ना टप का तो फिर मैं आखिरी में एक चक्कर ना दो तीन बार जैसे मैं टप में से ही निकाल लेती हूँ हाँ पानी भी ये कि ज़्यादा वेस्ट नहीं होता हैगा और ये कि ना कपड़े भी अच्छे से बहुत अच्छे से धुल जाते हैंगे तो यहाँ पे बस उन्होंने मेरा तरीका देखा सेम टू सेम वही चीज़ करने लगी जो मैं कर रही थी तो खैर यहाँ पे कपड़े धोते धोते इन्होंने जो है ना अपने भी कपड़े सारे जो है ना गीले ही कर लिए थे तो खैर मैंने सोचा मैं इनको भी कपड़े पहना देती हूँ और जो है ना इनके भी कपड़े साथ में ही धुल जाएंगे तो जिस दिन लॉन्ड्री करनी होती है ना मैं बच्चों को भी सुबह ही रेडी कर देती हूँ मतलब कपड़े वगैरह पहना के तैयार कर देती हूँ ताकि जो साथ में इनके कपड़े हैं ना आज के वो भी धुल जाएँ और ज़्यादा कपड़े भी जमा ना हों जैसे ये वाला ब्लैक वाला सूट में इनका इसी कर रही थी क्योंकि शाम में हमें जाना था एक मैलाद की महफिल में जाना था तो मैंने सोचा अगर वैसा तो मेरा कोई मूड नहीं था इनको ले जाने का मनिहा को लेकिन मैंने फिर भी आयरन करके रख दिया था मैंने सोचा अगर ये जिद करेंगी तो मैं मैं इनको ले जाऊँगी क्योंकि लाइटों का कोई पता नहीं होता है लाइटें कब जैसे जाती हैं फिर टाइम लग जाता है तो इसलिए जो है लाइटों का को कोई पता नहीं होता तो खैर मैंने एक थोड़ी इनका एक्स्ट्रा में आयरन करके रखती हूँ तो जी यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था और पाए का सालन मैंने गर्म कर लिया था अंडा हस्बैंड के लिए अंडा बना दिया था और तंदूर की रोटी थी ये भी मैंने गर्म कर ली थी तो जी हम लोग दोपहर में हस्बैंड नाश्ता करेंगे या हम लोग दोपहर का लंच करेंगे वैसे और शाम नाच करते करते ही तकरीबन हस्बैंड को चार बज गए थे हम लोगों को क्योंकि मैं कपड़े मैंने लगाए थी मशीन तो मुझे कपड़े धोने में ज़्यादा टाइम हो गया था और फिर हस्बैंड भी सोकर उठे थे तो मतलब लेट ही उठे थे थोड़ा सा चार बजे तक ही उठे थे वो तो बस उन्होंने जो है ना नाश्ता करते करते जो है ना बस हमारी मेरी सिस्टर आ गई थी और उनकी मेरी भांजी भी आ गई थी तो बस फिर हमने मैंने चाय मज़ीद और बना ली थी और केक मंगवा लिए थे मैरी बिस्किट मंगवा लिए थे और समोसे मंगवा लिए थे गरम गरम वैसे ये वाले समोसे खाने का मेरा बड़े दिनों से मोन था आपको पता है ये वाले समोसे मैंने कब खाए थे इन्हें रमज़ानों में खाए थे ये वाले समोसे बल्कि रमज़ान से भी पहले ही खाए होंगे तो काफी दिनों बाद मैंने ये समोसा ट्राई किए और यहाँ हम लोग मैलाद की महफिल में आ गए थे और यहाँ पे ये यह देखें मनिया मेरे पीछे लग गई थी तो मुझे लाजमिन को लाना पड़ा क्योंकि ये घर में बहुत रो रही थी बहुत तंग कर रही थी इन्होंने असल में मुझे बाया पहने हुए देख लिया था तो बस हम लोग यहाँ पे महफिल में बैठे हुए थे मिलाद चल चल रही थी और मनिया ने मुझे बहुत सताया बहुत तंग किया वैसे छोटे बच्चों का महफिल में कोई काम होता नहीं है क्योंकि बच्चे वह ही सताते हैं तंग करते हैं कुछ भी नहीं करते हैं तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी महफिल सजी हुई थी यहाँ पे मिलाद की और यह है कि ना यहाँ पे बिरयानी थी बिल महफिल ख़त्म हो गई थी तो महफिल के बाद लंगर था यहाँ पे हलवा बना हुआ था बहुत मज़ेदार हलवा बना हुआ था और यहाँ पे बहुत मज़े का हलवा बना हुआ था ये वाला हलवा तो मेरा फेवरेट है मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे बिरयानी भी बनी हुई थी बड़े मज़े की बिरयानी थी तो बस यहाँ पर लंगर चल रहा था और हम लोगों ने बिरयानी में मिर्ची बहुत टेस्ट थी बच्चों ने तो खैर नहीं खाया खाना बस मैंने ही थोड़ा बहुत खाया था बाकी जो है ना हलवा खाया था मैंने क्योंकि आपको पता है मुझे मीठा बहुत पसंद है तो बस खैर हम लोग जल्द मिलाद की महफिल जो है ना ख़त्म हो गई थी खाना वगैरह हमने लोग तकरीबन तकबा साढ़े सात बजे तक वहीं खा लिया था जल्दी खिला दिया था उन्होंने तो बस मैं अपने घर आ गई थी साढ़े सात बजे का टाइम और पाए का सालन रखा हुआ था मैंने कुछ भी नहीं बनाया आज क्योंकि सारा दिन मुझे कपड़े धोने में हो गया कपड़े धोकर मैं फारिक हुई अभी मैंने कपड़े भी नहीं सुखाए ऊपर ही टप रखे हुए हैं जब ऊपर जाऊँगी फिर सुखाऊंगी अभी हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि मनिया के ना कपड़े चेंज करवाओ मनिया के ना मुझे टेंट करवा के लानी है मतलब गंजा करवा के लाना है उनको क्योंकि मनिया के बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और हम जब से ये मतलब पैदा हुई है ना तो हमने इनको एक से दो ही बार गंजा करवाया है क्योंकि इनके बाल बहुत अच्छे लगते हैं हमें बालों में ना ये क्लिप वगैरह लगाती हैं पोनी वगैरह करती हैं दो पौनियाँ करती हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं तो इसलिए दिल ही नहीं करता है इनको गंजा करवाने को लेकिन अभी विंटर्स हैं तो सोचा अभी ये टोपी वगैरह पहनी रहेंगी मतलब जो टोपी होती है ना वो 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 गर्म टोपी वो पहनी रहेंगी तो मतलब सर्दियों सर्दियों में इनके थोड़े बहुत बाल होंगे ना वो आ जाएंगे तो इसीलिए बस हम लोगों ने ना इनको गंजा करवाने का सोचा था तो बस अभी हमने सोचा है कि हम इनको अभी जल्दी जल्दी गंजा करवा देंगे एक मन के अभी बीस बीस दिन बाद थोड़े से बाल आ जाएंगे ना इनके फिर गंजा करवा देंगे ताकि इनके बाल जो है ना मजीद अच्छे आ जाएं क्योंकि तो बचपन में गंजा हो जाओ तो कोई बुरा नहीं लगता हैगा और बल्कि कुछ बच्चे तो बहुत प्यारे लगते हैं गंजे होकर बचपन में और कुछ अच्छे भी नहीं लगते हैं जब फाथ को मैंने एक बार एक मरतबा गंजा करवाया ना तो फ़ाथ मतलब अच्छे नहीं लगे गंजे हुए हुए लेकिन नब मनिया भी देखते हैं गंजी के कैसी लगती हैं अभी आती हैं तो फिर बताते हैं तो बस यहाँ पे अपने बाबा के साथ जा रही थी गंजा होने के लिए और मैं बालों को हाथ लगा लगा के दिख रही थी कि मैं मतलब गंजी होने जा रही हूँ सबको बता रही थी कि मैं जा रही हूँ बाबा के साथ तो खैर ये जैसे ही गंजी होकर आई ना तो मेरे पास ये आई हस्बैंड के एवान के कैप्सल थे ये लेकर आए थे मैंने कहा था लेकर आना क्योंकि बेबी इनके बालों में लगाऊंगी क्योंकि अभी ये टिन करवा के आई हैं तो फ़ौरन से लगाने होते हैं मेरे भाई ये थोड़ा सा ही जैतून का तेल बचा था तो ये जैतून के तेल के अंदर मैं ये चार कैप्सूल डाल दूंगी वैसे तो आधी बोतल आपके पास अगर इतनी बड़ी एक बोतल है ना तो उसके अंदर पाँच छः पाँच से छः आप डाल दें तो यहाँ पे वैसे माशाल्लाह से बड़ी क्यूट लग रही थी नक्शा ही बदल गया था इनका असल फ़ाहत में मिलने लगी थी बिल्कुल ही टिन करवा के <laughs> और वैसे बड़ी गोरी गोरी भी लग रही थी तो सब बोल रहे थे माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है गंजी होकर तो खैर बस यहाँ पर जो है ना मैंने ये चारों ही कैप्सूल जो है ना ऊपर से इसको कटिंग कर कर के और ना मैंने इसके अंदर जैतून के तेल के अंदर ना डाल दिए तो इससे जो है ना बाल मुझे किसी ने बताया था ये कर, तरीका करने को तो इसलिए मैं कर रही हूँ अल्लाह करे बस लगाया है एक तरीका करा है तो बस अल्लाह करे बाल इनके बहुत अच्छे आए अच्छे बालों के लिए कर रही हूँ ताकि इनके बाल बहुत ज़्यादा हेल्थी हों और ब्लैक हों और सिल्की बाल हों मुझे सिल्की बाल बड़े अच्छे लगते हैंगे तो यहाँ पे बस में ये बच्चे गंजे होकर आए ना तो फ़ौर से ये लगा दें जैतून के तेल में ये ईवान के कैप्सल जो है ना वैसे ये ग्रीन कलर के पैकेट में भी आते हैं ब्लू कलर के पैकेट में भी आते हैं और ज़्यादा कोई महंगे भी नहीं है तकरीबन ये आई थिंक बीस पच्चीस रुपए के ऐसे होंगे पाँच रुपये का एक कैप्सल है ये तो ये लेकिन ये फ़ायदा बहुत करता है तो ये है कि ना इसी वजह से मैंने ये लगाए थे तो बस मैं इसको हल्का सा शेक कर लूँगी यानी कि अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी बोतल को हिला लूँगी चारों ही कैप्सूल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं असल में तेल मेरे पास थोड़ा ही था तो मैंने चार ही ऐड किए हैं अगर आपके पास पूरी इतनी बड़ी एक बोतल है ना तो आप उसमें पाँच से छः हज़ार कैप्सूल ऐड कर दीजिए और इसके बच्चे के सर में अच्छे से मालिश कर दीजिए मैंने मनिया के सर में भी लगा के फौरन से अच्छे से मालिश कर दी अभी तकरीबन रात को मैं सोते वन इनकी डेली मालिश करूँगी इसी ऑयल की तो फिर देखते हैं इनके बालों का क्या हिसाब किताब होता है अच्छे आते भी हैं या नहीं खैर मैं या ख़ुद मैं ख़ुद ये टोटका फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ तो आगे अभी आप साथ रहें तो मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि मतलब इनके बालों की भी कंडीशन तो यहाँ पर बन रहा जी हलवा बन रहा था क्योंकि मेरे फादर इन लोग का ना बड़ा दिल कर रहा था मीठा खाने को तो उन्होंने मुझसे कहा कि हलवा बना के दो मुझे सूजी का तो बस यहाँ पे मैं इनके लिए सूजी का हलवा बना रही थी सूजी को मैंने देसी घी के अंदर भून लिया था मेरे पास देसी घी था तो मैंने भून लिया आ, वैसे अगर नहीं होता तो ज़ाहिर सी बात है कि मैं नॉर्मल जो घी होता है उसी के अंदर ही बनाती तो यहाँ पर बस मैं इनके लिए वो बना रही थी हलवा और यहाँ पर जो है ना मैंने हल्का सा ना जरदे का एक चुटकी समझ ली वन फोर्थ वो ना वन फोर टी स्पून जो होता है ना चुटकी के बराबर बस मैंने ना इसके अंदर ऐड कर दिया है जर्दे का फूड कलर जो होता है ना वो ऐड कर दिया और से मैंने किशमिश और बादाम वगैरह भी ऐड कर दी तो बड़े मज़े का लुक लग रहा था इसका आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा खैर बना भी बहुत अच्छा था और फादर लोग की से मैंने मीठा कम रखा था वैसे जो है ना मतलब मीठा नॉर्मली रख होना चाहिए लेकिन उनकी वजह से मैंने कम रखा था उन्होंने कहा कि मीठा कम रखना ज़्यादा तेज़ ना करना तो बस यहाँ पर जो है ना ये योपी का खाना भी ठंडा हो रहा था और फादर लोहे के लिए मैंने हलवा भी बना दिया था वैसे मैं मैं तो हलवा खा कर आई थी तो मैंने तो अभी बिल्कुल नहीं खाया क्योंकि मैं खा कर आई हूँ भी बार बार दिल नहीं करता है खाने को और बस, बस यहाँ पर जो है न हसबैंड और फादर ने ही खाना खाया था क्योंकि बच्चों ने भी नहीं खाया खाना बस ये दोनों ही खा रहे थे तो स्पाई का सालन था तो यहाँ पे देखें आज गंजा करवाया है ना मनिया ने आज इनको बड़ा सूझ रही है कि मैं हेलबेंट लगाऊं और बालों में वो क्लिप वगैरह लगाऊं कंगा करूं आज पता नहीं क्या इनको लगी है समझ ही नहीं आया कुछ वैसा तो कंगा भी नहीं करती है, अपने बालों में मैं ही करती हूँ उनके बालों में कॉम भी लेकिन आज देखें बच्चों का क्लिप निकाल के ख़ुद अपने सर में लगा के बैठी हैं ये तो अपने बाबा के सर में मालिश कर रही थी तकरीबन रात के ग्यारह बजे का टाइम है और आते हो चुके हैं लंबी दिन हो चुके हैं छोटे तो बस जल्दी सो जाते हैं अब क्या कर सकते हैं बैठे 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 भी बोर ही हो जाता है इंसान तो बस यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और आज संडे का दिन है तो बस यहाँ पर जी बन रहा था अंडा और हंडा अंडा जो है ना मैं बहुत हल्की आँच में फ्राई करती हूँ ताकि ना जले ना और ये कि ना हीक भी जो होती है ना अंडे की तोरी की वो भी ख़त्म हो जाए तो बस यहाँ पर हस्बैंड जी का नाश्ता रेडी कर रही थी मैं क्योंकि वो आज चल, आ, कल तो खैर चार बजे उठे थे वो लेकिन आज उनको मैंने तकरीबन मैं बारह बजे ही उठा दिया था क्योंकि मुझे जो है अलमारी सेट करनी थी अपनी क्योंकि मेरी अलमारी अभी तक सेट हो ही नहीं सकी है तो मतलब मैंने सोचा मैं अलमारी में जो ना कपड़े वगैरह इसके लगा लगा देती हूँ जब सेल होगी जबकि जब देखी जाएगी अभी तो फ़िलहाल मैंने हस्बैंड को काम में लगा दिया कि भाई आप बोर हो रहे हैं आप भी मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा दें ताकि लेकिन आज जो कपड़े पहनने के नहीं हैं वो साइड में कर दें मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़े भी बहुत ज़्यादा अलमारी में हो जाते हैं ना तो अभी जगह नहीं होती है स्पेस नहीं होता हैगा दूसरे कपड़ों के लिए तो इसलिए जो है ना हस्बैंड यहाँ पे वो कपड़े देख रहे थे जो वो पहनते हैं वो बाकी जो मतलब नहीं पहनते ना तो वो मतलब हटा देंगे हम तो अपने काम मतलब जो उनकी टी शर्ट्स वगैरह हैंगी उसकी फोटोग्राफी करते हैं ना वो तो वो टी शर्ट्स वगैरह उन्होंने अपनी अलग से बनवाई रखी हुई हैं तो जब वो जाते हैं तो वहाँ पे वही ड्रेस पहन के जाते हैं और बाकी यहाँ पे काफ़ी सारा हस्बैंड का जो है ना ये मतलब काफ़ी सारे कपड़े एक्स्ट्रा निकले जो मैंने डिस्कार्ड कर दिए और बाकी मतलब किसी को दे दूंगी मैं और यहाँ पे ये वाला स्कार्फ हैगा ये मेरे फादर लोग हमरा पे गए थे ना जब मदीने गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे हम सब बहुओं के लिए अपने सब बहुओं के लिए लेकर आए थे और बाकी अपनी बेटियों के लिए अबाही लेकर आए थे या मन ढाई के हमारी नंदे हैं उनके लिए आबाही लेकर आए थे बाकी मैं हम लोग के लिए सब के लिए स्काफ लेकर आए थे लेकिन अबायों से अच्छे स्काफ थे हम लोग को स्काफ़ ही बहुत पसंद आए थे अबाय तो खैर इतने ख़ास नहीं थे पता नहीं उनको शायद खरीदने नहीं आए हों क्योंकि आजकल जो तो फैशन में है वैसे अब आए तो बहुत प्यारे प्यारे हैं वहाँ पर लेकिन अब वही बात है ना पसंद की बात होती है उन्होंने अपने पसंद के मुताबिक ख़रीदे लेकिन लेकिन फिर भी ठीक थे बस सही थे तो यहाँ पर मैं मैं अपने ना इस्टॉलर सारे तय करके अच्छे से हैंग कर दूँगी जो भी वैसे मुझे स्टॉलर ख़रीदने का बड़ा बड़ा ही शौक है का। मैं नए नए ख़रीदती रहती हूँ और जब थोड़ा सा दिल भर जाता है एक दो महीने बाद तो फिर मैं उसको रख देती हूँ फिर सेकंड ले लेती हूँ नया ले लेती हूँ फिर उसको जब दिल भर जाता है फिर वो रख देती हूँ तो इस तरह से करते करते मेरे पास काफ़ी सारे स्टॉलर जमा हुए हैं और जो है ना मतलब मैं उनको कभी मूड होता है तो पहन भी लेती हूँ वैसे मैचिंग के भी कभी कभार पहन लेती हूँ कभी थोड़ा सा चेंज पहन लेती हूँ तो खैर यहाँ मेरी सारी सफाई हो चुकी थी अलमारी सारी सेट हो चुकी थी जिसके कपड़े जिसके कपड़े थे वो मैंने सबके ना उसमें उसमें रख दिए हैं पार्ट में रख रख दिए हैं और बाकी ये हस्बैंड के कपड़े बहुत है अभी भी बहुत कपड़े थे उनके तो खैर मैंने सारे सेटिंग से रख दिए हैं इनके ट्राउजर सारे एक साइड पर रख दिए हैं बाकी मैंने अपने कपड़े भी रख दिए सारे अपने बैग वगैरह सब कुछ मैंने सेट करके रख दिया है बच्चों के कपड़े भी मैंने सेट करके रख दिए हैं सारा दिन आज मुझे इसी काम में लग गया आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई बस ये रात का शाम का टाइम है मग़रब का टाइम है झाड़ू भी मैंने अभी तक नहीं दी थी नभियाँ आई हैं अम्मी के घर गई हुई थी अपने मामू के घर अभी आई हैं अम्मी मेरी असल में आई हुई थी ना तो अम्मी वहीं रुकी हुई थी भाई के घर पर तो नभियाँ भी वहीं चली गई थी नानी के घर नानी के साथ रुकी

इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ तो जी आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था दाल बन गई थी तो बस हम लोग ने खाना खा लिया था और इससे नेक्स्ट ब्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा सो तो जी आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और जी मिलती हूँ बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ सो थैंक यू फॉर अल्लाह हाफिज़